स्टार्ट। अभी हम मौजूद हैं सुपारा चुनकर चक्के, सुपारा चुनकर चक्के, अभी हम मौजूद हैं सुपारा, अभी हम मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं किर्गिस्तान में वाके सुपारा चुनकरचक रिजॉर्ट। ये बिश्केक से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर वाके है। सुपारा से जहाँ हमारी एंट्री हुई है, यहाँ से पूरा रोड जो है इसी तरह से है, कच्चा कच्चा वाला, बिल्कुल देखिए बिल्कुल कच्चा है। जहाँ से मेन चढ़ाई शुरू होती है वहाँ से सड़क बिल्कुल ही टूटी फूटी है। जाते हुए तो गाड़ी बिल्कुल ही सड़क के किनारे पर चल रही होती है। रास्ते में ये चेयर लिफ्ट वाला पॉइंट भी आया था, लेकिन इस टाइम ये लिफ्ट चल नहीं रही थी। पहुंचने के साथ ही हमने रिसेप्शन पर जाकर पेमेंट की और रूम भी कीज ली। यहाँ अलहदा से चार्जेस के साथ हॉर्स राइडिंग टूर्स भी होते हैं, आप अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जिस टाइम हमने ये रूम बुक किया, इस रूम की प्राइस booking.com पर 600 AED शो हो रही थी, जिसमें नाश्ता और आर्ट्री शामिल नहीं थे, जबकि सुपारा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने यही कमरा 375 AED का बुक किया और इसमें ये इतना सारा नाश्ता और आशी का एक सेशन जिसमें 3 तीर मिलते हैं वो भी शामिल था। पेमेंट हमने वहां पहुंच कर ही रिसेप्शन पे की, यहां क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाता है। बेड है, अलमारी है, और ये हीटर का इंतजाम है सर्दियों के लिए। एक और खिड़की, बाहर का नजारा, खूबसूरत नजारा। और हम एंट्री लेते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। पानी और साथ में कुछ आपको ग्रीट करने के लिए
चॉकलेट्स दी हुई हैं। व्यूइंग की जगह है यहाँ से। जस्ट लुक एट द व्यू। बाथरूम है, ये लोटा देखें 1950 का, इंटीरियर्स की डिटेलिंग पर इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया हुआ था, जैसे कि इस दरवाजे की ये वुडन कुंडी। अभी हम मौजूद हैं सुपारा चुनकरचक के माउंटेन पे और ये हाईएस्ट इस वक्त रूफ टॉप काइंड ऑफ लोकेशन है और किर्गिस्तान में मुझे लग रहा है कि हमने और भी वीडियोस देखी हैं, लग रहा है कि स्विट्जरलैंड है यहाँ का। बहुत ही जबरदस्त व्यू है वो आप देख सकते हैं। यहाँ प्रॉपर हाइकिंग ट्रेल्स भी बनी हुई हैं डायरेक्शंस के साथ, लेकिन इन पर जाने से पहले ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके जूते प्रॉपर ग्रिप वाले हैं। पूरी कोई तफसीली हाइकिंग कराने का प्लान है इनका। ऊपर से हम आ गए थे और उसी लेवल पे है जिस पे हमें रेस्टोरेंट, उसी लेवल पे था, लेकिन हम फिर भी नीचे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मजा आ गया गरम गरम है ना। सर्दी बहुत ही जोरदार थी बाहर। ऑर्डर किया है बोरसोक कहते हैं उसे। बहुत अच्छा। देखो लगा नमक पारे की तरह, बिल्कुल काइंड ऑफ नमक पारे काइंड ऑफ। आयु मार 4.5। मुँह से खाते नहीं लग रहा है काट कर। चटनी है, कोई चटनी है? लैम कबाब। खाने का हमारा टोटल खर्चा हुआ था 1599 किर्गिस्तान। जब तक हम खाना खा के निकले, ये बिल्कुल किसी मूवी के सेट जैसा माहौल हो चुका था यहाँ पर।
अंधेरा होने के बाद व्यूइंग डेक से बाहर का नजारा बहुत ही हसीन लगता है। खासतौर पर जब चांदनी बर्फ के ढके पहाड़ों पर पड़ती है, वो एक्सपीरियंस कैमरे की आंख से दिखाया नहीं जा सकता। सुबह उठते ही सीधा रुख किया हमने व्यूइंग डेक का। और मंजर पिछले रोज से भी ज्यादा हसीन और साफ दिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम सुपारा चुनचोक माउंटेन की तरफ नजारा करने आ गए हैं सुबह सुबह, और ये एक वाकई नो डाउट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि हमने बहुत सारे आने से पहले रिसर्च की थी आने के लिए कि हम लोग कहाँ बुक करें, तो हमने ये डेस्टिनेशन बुक की, क्योंकि यहाँ पे ना लोग ऐसे भी ट्रिप्स होते हैं जो सिर्फ यहीं पे आते हैं किर्गिस्तान में, और यहीं से डायरेक्ट डिफरेंट फ्लाइट्स लेकर यहाँ से आ रहे होते हैं यूएई से और डिफरेंट डेस्टिनेशन से। उस हिसाब से जो है ना वाकई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और यानी आपको ज़रूर आना चाहिए। और जब भी आप किर्गिस्तान आएँ, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप क्या कहते हैं यहाँ पे ज़रूर आएँ, बल्कि वाकई इतना हसीन है कि आप डेफिनेटली आएंगे और यहाँ पे ना इंजॉय करेंगे नेचर को भरपूर तरीके से। नीचे उतरना इतना आसान है मलिक, बस उतरते जाओ उतरते जाओ। और चढ़ना उतना ही मुश्किल, बेपनाह मुश्किल। हॉर्स मीट है। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। ये बिल्कुल रिसेप्शन के साथ ही इतने बड़े बड़े स्विंग और स्लाइड्स वगैरह लगे हुए थे। नाश्ते के बाद हमने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री आर्चरी का तकाजा किया, तो ये भाई हमें ले गए आर्चरी करने के पॉइंट पर। पहले इनसे हमने ली थोड़ी सी गाइडेंस कि आर्चरी करनी कैसे है, क्योंकि वो हमने पहले तो कभी की नहीं थी, और उसके बाद फिर हमने अपने टैलेंट के जौहर दिखाए। फिर वापस जाने से पहले हमने सोचा कि इन पेड़ों में इतना अच्छा लुक आ रहा है कि एक फोटो सेशन तो बनता ही है। और फिर शुरू किया हमने वापसी का सफर थेलमन भाई के साथ। सुपारा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है ये पानी की नदी। वो साथ Зеки приехал к нам сюда. जहाँ से एक अलग ही लेवल का हसीन व्यू आ रहा था। Бишкек гости. Вот какие красивые места. Речка Чункурчак. Находимся на высоте. Молодец, меня забрали.
ठंडा पानी है। सिपारा से मानस एयरपोर्ट जाने के लिए हमने इन्हें पे किए थे 3000 किर्गिज सोम और सिपारा से मानस एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर पसंद आई है तो ये जो लाइक का बटन दिया हुआ है, हाँ यही बिल्कुल अंगूठे वाला, इसको दबा दीजिए। और बराबर में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है, अगर पहले नहीं दबाया था तो उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि भाई आगे की वीडियोस भी तो देखनी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।